हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लिलियम के बारे में बात करने वाले हैं। लिलियम को एशियाटिक लिली के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत सारे रंगों में मिलता है। मेरे पास ये वाइट लिलियम का प्लांट है, जिस पर अभी सिर्फ एक फ्लावर खिला हुआ है और दो बर्ड्स भी हैं, और ये भी एक दो दिन में खिलने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इसे किस सीजन में लगाया जाता है या ग्रो किया जाता है। देखिए, लिलियम एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। अक्टूबर नवंबर में इसके बल्ब्स लगाए जाते हैं। आप अपनी लोकल नर्सरी से इसके बल्ब खरीद सकते हैं, या फिर ऑनलाइन अमेज़ोन से या किसी अन्य वेबसाइट से भी आप मंगा सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, बल्ब खरीदते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। हमेशा हेल्दी बल्ब खरीदें और बड़े साइज़ का बल्ब खरीदें। बड़े साइज़ का बल्ब बड़े साइज़ के फूल देता है और ज़्यादा संख्या में फूल देता है। छोटे बल्ब में अक्सर फूल नहीं आते हैं, और अगर आते हैं तो बहुत कम और छोटे साइज़ के फूल आते हैं। इसके बाद है कि ये किस सीज़न में फूल देता है। देखिए, जैसा मैंने पहले बताया कि ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, तो फ्लावर्स भी विंटर में ही आएंगे। यह जनवरी और फरवरी में फूल देता है। अब आते हैं इसके फोर्थ पॉइंट पर। हमें लिलियम के बल्ब को किस प्रकार की सॉइल में लगाना चाहिए। लिलियम को वेल ड्रेन, सॉफ्ट और नमी वाला सॉइल मिक्स पसंद है। मिट्टी हार्ड बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमारा सॉइल मिक्सचर एसिडिक होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पॉट साइज़। देखिए, एक हेल्दी और बड़े बल्ब को 7 से 8 इंच के पॉट में लगाना चाहिए। बड़े आकार के पॉट में आप 3 से 4 बल्ब 6-6 इंच की दूरी पर लगा सकते हैं। अब बात है वाटरिंग की। याद रखिए, हमें सॉइल को सिर्फ मॉइस्ट रखना है, ओवर वाटर नहीं करना है। ज़्यादा वाटरिंग से बल्ब सड़ सकता है और पौधा मर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सन रिक्वायरमेंट। हमें इसे कहाँ रखना चाहिए। देखिए, ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, तो इसको फुल सन में ही रखना होगा, जहाँ कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप इसको मिलती रहे। हाँ, सभी कलियाँ खिलने के बाद हम इसे इंडोर भी रख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा तेज़ धूप में फूल जल्दी मुरझा जाते हैं, वो ज़्यादा लंबे समय तक खिले नहीं रहते। तो ज़्यादा लंबे समय तक फूल खिलाए रखने के लिए, फूल खिलने के बाद हमें उसे सेमी शेड में या फुल शेड में रखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फर्टिलाइज़र। जब पौधा छोटा है तो उसमें DAP का इस्तेमाल करना चाहिए। थोड़ा बड़ा होने पर इसमें पोटाश का इस्तेमाल करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स और फूल हमें देखने को मिले। पोटाश डालने से क्या होता है, फूल ज़्यादा आते हैं और बड़े साइज़ के आते हैं। इसके अलावा हर 15 दिन में हमें लिक्विड कंपोस्ट भी डालनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि लिलियम को अगले सीज़न के लिए कैसे बचाएं। फूल सूख जाने पर फूलों को काट दें, पूरे स्टेम को बिल्कुल नहीं काटना। इसके बाद इसमें भरपूर मात्रा में फर्टिलाइज़र या खाद दें। जब इसकी सभी हरी पत्तियाँ सूख जाएं, तब स्टेम को मिट्टी के बिल्कुल ऊपर से काट दें। लिलियम के बल्ब को अगले सीजन के लिए कैसे बचाएं, इस पर हम एक अलग से वीडियो डालेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू।